लिए 4-5 स्टार, 10/10 है। स्कूल को फुल मार्क्स हैं। 9/10, 90%। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग सुन के एक माइंड में क्या आता है कि हम स्कूल में जाएंगे और बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे कि क्या क्या बच्चे ने किया है, एग्ज़ाम्स में नंबर कैसे आए हैं और स्कूल में पढ़ाई वो क्या करता है, यानी कि ऑल ओवर चीज़ें कि बच्चा क्लासरूम में स्कूल में क्या करता है। लेकिन आज हम ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल में आए हैं जहां पर हम बच्चे के रिपोर्ट कार्ड तो पूछेंगे ही पूछेंगे, साथ में यहां के पेरेंट्स से भी बात करेंगे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर कि स्कूल में अगर वो बच्चे को भेज रहे हैं तो क्या उन्हें बच्चे में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ के पेरेंट्स से बात करते हैं। मैम, जो स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पहले के टाइम में पेरेंट्स टीचर मीटिंग इतना कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, तो क्या चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली पेरेंट टीचर मीटिंग में? पेरेंट टीचर मीटिंग में एक तो मैम बच्चे की पूरी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। अब जैसे मेरे बच्चे के साथ इशू है कि वो टिफ़िन नहीं खाता, मैम ने मुझे बताया कि जिसकी जो पसंद है वो खिलाओ। शायद मुझे नहीं पता चलता घर में कि ये बात कि हाँ बच्चे की क्या पसंद है, और मैम से बात होती है कि हाँ बच्चे के लिए पढ़ाई कैसी हो रही है या क्या कर रहा है। बहुत चीज़ें मतलब चेंज है, पहले कहाँ पेरेंट्स को इतना पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में क्या नहीं हो रहा। अब हम बच्चे की एक एक चीज़ को नोटिस करते हैं, टीचर नोटिस करते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे चेंजेस आ रहे हैं ये मीटिंग वगैरह के, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होती है या फिर ऑल ओवर सब चीज़ बच्चे के बारे में पता चलती है? मैं पढ़ाई से रिलेटेड ऑल ओवर, जैसे मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कराई है कि फ्रूट के लिए भी एक माँ को होता है कि बच्चा क्या खा रहा है, पढ़ाई से ज़्यादा तो माँ को खाने पीने का होता है अपने बच्चे के। जैसे मैम ने अभी बताया कि जो उसे पसंद है मैम वो भेज दो, तो यही है कि बहुत सारी मैम ने डिस्कस करे हैं बातें पढ़ाई से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, उसकी क्लास में क्या एक्टिविटी है उससे रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैम ने बताई हैं मैं उन पर नोटिस करूँगी। मुझे तो ऐसा होता है कि बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं हम घर से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और घर में ही पढ़ा सकते हैं, तो स्कूल में आकर क्या एक नया बच्चे में, मतलब क्यों हम स्कूल में भेजते हैं और आपने यहाँ ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल में ही क्यों एडमिशन कराया? मैम स्कूल हम बच्चे को इतना मतलब इतना तो नहीं पढ़ा पाते घर में कि ऐसा कि बिल्कुल एक स्कूल एक प्लेटफॉर्म होता है बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। अब मेरा बच्चा जब यहाँ आया ट्विंकलिंग में वो 4 साल का था, पर मतलब वो ढंग से बोल भी नहीं पाता था। अब मैं कहूँगी कि यहाँ आके उसने बोलना खाना सब चीज़ सीखा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ मतलब वो सही से बोलना भी यहीं सीखा है। अब घर में वो इतना प्यार प्यार में दादा भाभी दादा दादी के प्यार में इतना था कि ढंग से बोल भी नहीं पाता था, खा भी नहीं पाता था, तो वो यहाँ आके खाता भी है और बोलता भी है अच्छे से। बहुत चेंजेस है मेरे बच्चे में तो, और स्कूल के लिए मैं कहूँगी कि स्कूल के लिए 4-5 स्टार, क्योंकि स्कूल वाकई में स्टाफ बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, बच्चे के लिए केयरिंग है, सब बहुत अच्छा लगा। मैं अपने नेक्स्ट दूसरे बच्चे का भी एडमिशन यहीं कराना चाहूँगी। सर ऐसा होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब बच्चे जाते हैं तो डरते हैं कि हमें स्कूल में डांट पड़ेगी, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आके ऐसा होता है कि बच्चों की शिकायत लगाई जाती है या क्या ऑल ओवर बच्चे के बारे में बताया जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा बताया जाता है कि उसको अभी कहाँ वीकनेस है उसकी, उसको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, खाना ढंग से खाना नहीं खा रहा, और आपका जो भी पढ़ाई का है कि ये लिख रहा नहीं लिख रहा, वो चीज़ें हैं, थोड़ा डिस्कशन होता है उसको पढ़ने के लिए जो भी है। टीचर्स से यहाँ के स्टाफ से कैसा सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट तो अच्छा रहता है, जो भी मतलब उनकी कमियाँ हैं उनको बताते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है घर पे भी और यहाँ पे भी, वो चीज़ें हैं। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तो आपको पता ही चल गया होगा, तो आप स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स स्कूल को देना चाहेंगे? स्कूल को कितने मार्क्स देना चाहेंगे? स्कूल को ठीक है, 10/10 है, कोई दिक्कत नहीं। मैम आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है, तो क्या पूरे स्कूल मतलब क्या बताया जाता है स्कूल में, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बताया जाता है बच्चे का या सब कुछ एक ऑल ओवर? बस तो यही है कि पढ़ाई से रिलेटेड बताते हैं, थोड़ा मैनर्स बताते हैं, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है, बस यही चलता है। तो
कैसा मतलब आप जब घर में पढ़ाते थे बच्चे को, ऑब्वियसली बात है जब छोटे बच्चे होते हैं तो पहले घर से ही स्टार्ट किया जाता है, तो घर में पढ़ाने के बाद और जब आपने ट्विंकलिंग स्टार स्कूल में भेजा है अपने बच्चे को, तो क्या चेंजेस आपको देखने को? यही है कि मेरा बच्चा मेरे से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग इसकी यहीं से हुई है, ये मुझे कवर नहीं कर पाता था, तो बस यही है कि मैम मुझे काफ़ी बेटर लगता है स्कूल। क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं अपने बच्चे में? स्कूल से क्या सपोर्ट मिलता है, टीचर से क्या सपोर्ट मिलता है? ये डिसिप्लिन देखा है मैंने बस इसके अंदर मैम, कि थोड़ा डिसिप्लिन में है, पहले नहीं था अब है, डरता है मैम से या कुछ भी समझो जी। तो आपने अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तो देख लिया, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में कितने मार्क्स देना चाहेंगे स्कूल को? 90% जी, क्योंकि मुझको स्टाफ ना, फर्स्टली मुझको स्टाफ बहुत अच्छा लगता है एकदम से। 10% किस चीज़ में कट करें? ये तो थोड़ा पर्सनल रहे तो ही ठीक है, नहीं मैम चलता है 99 बोल दो, 90 मैं बोलूँगी, काफ़ी बेटर है। आपने अपने बच्चे को ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल में भेजा और आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो क्या बताया जाता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को लेकर, बच्चे के ऑल ओवर सब एक्टिविटी को लेकर, क्या सिर्फ पढ़ाई को ही लेकर बात होती है या सब कुछ बात होती है यहाँ पर? मैम बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे जैसे मैम पढ़ाती हैं तो बच्चे को समझ भी आता है, एक बारी नहीं दो बारी बताती कि बच्चे को बोलती हैं कि आया है आपको नहीं आया है। एक्चुअली मेरी जो क्लास टीचर है, मतलब उनसे बात हुई है कि पहले बहुत इम्प्रूव, पहले हार्दिक बहुत वीक था पढ़ने में फर्स्ट क्लास में, अब सेकंड क्लास में आया, लेकिन हार्दिक के बारे में बोलती हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा। सपोर्ट कैसा मिलता है? सपोर्ट से तो जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं वैसे ही मैम ऐसे ही रखते हैं यहाँ पर भी, कहते हैं ना कि माँ घर पे रहती है दूसरी माँ स्कूल में रहती है, यही चीज़ यहाँ है मैम। आपने अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तो देख लिया होगा आज पीटीएम में, तो आप स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में स्कूल को कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैम अब ये तो मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 100% देते हैं ऐसे यहाँ पर देंगे, क्योंकि बच्चे की हर चीज़ मैम देखती है, स्कूल की मैम टीचर जो होती है वो हर चीज़ देखती है, बच्चे की शरारत, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का कहाँ मतलब वीक है, हर चीज़ उसी बच्चे को लेके मैम फिर चलती हैं कि मतलब जैसे कैसे करते हैं बच्चे को, कैसे पढ़ाना है, और अगर शिकायत होती है तो पेरेंट्स को बोलते हैं, तो हमें पता है कि हमारा बच्चा कहाँ पर है, इसी तरह से मैम को भी पता हो गया है कि बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ ज़्यादा अच्छा करता है। ऐसा कभी होता है जैसे आपने बोला शिकायत कोई होती है, तो आपकी कोई शिकायत है लेकर आप आए हैं, तो ऐसा हुआ है कि मतलब यहाँ पर सॉर्ट आउट की गई हो और आप उसको लेके पूरा सेटिस्फाई हुए हो? मैम क्यों नहीं हुई है ऐसा कि मतलब बच्चा शरारत करता था कि भाई आपका बच्चा बहुत शरारत करता है ऐसा होता था कि, तो फिर धीरे धीरे मैम जैसे पढ़ाती हैं या बच्चा जैसे मैम की बात सुनने लग गया है, बच्चे के ऊपर होता है कि भाई बच्चा सुनता है नहीं सुनता है, ठीक है, अब बच्चा मतलब मैम जैसे क्लोज रखती हैं, एक जैसे अपने बच्चे को क्लोज रखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी मैम क्लोज रखते हैं, इसी तरह बच्चे उनके साथ क्लोज रह के उनकी बात मानते हैं। सर आज आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि कैसा लगा यहाँ कर टीचर से मिलकर, बच्चे के बारे में क्या आपको यहाँ नया जानने को मिला? देखो बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट पीटीएम इन माई लाइफ, ठीक है, और टीचर्स से मिलके मेरे को अच्छा लगा, उन्होंने इनकी इसकी हिडन जो चीज़ें हैं वो बताई कि एक्चुअल में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेती है, अभी तक हम लोग सिर्फ वीडियोस देखते थे जिसमें हम लोगों को ये नहीं दिखाई देती थी, तो वी आर थिंकिंग कि ये एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट यहाँ पे आके पता लगा कि एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है प्रॉपर तरीके से। स्कूल के लिए कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे? 9 out of 10। तो अभी जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चेंजेस आता है बच्चे के लाइफ में, तो यहाँ पर मैम है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले के टाइम में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो इतनी कंपलसरी नहीं होती थी और कहीं कहीं पर होती ही नहीं थी, तो अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत कंपलसरी हो गई है, हर जगह पर हम देखते हैं, तो ऐसा क्यों है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंपलसरी हुई है, क्या चेंजेस आया है? डे टू डे जैसे आप लोग देख रहे हैं मतलब इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, तो स्कूल्स भी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो इसीलिए पीटीएम मतलब कंपलसरी हो गई है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स आएंगे, बच्चे की मतलब जो भी घर में कैसा कर रहा है, बिहेव कैसा है, पढ़ने का पैटर्न कैसा है, तो वो टीचर से डिस्कस करेंगे भी क्लास में कैसा बिहेव करता है और घर में कैसा, वो कंपेरिज़न करके देखते हैं, अभी हम लोग
मतलब कहाँ कमी रह गई है हमारे से घर में, जो टीचर हमें बताएगी भी स्कूल में वो कैसा बिहेव करता है, वही चीज़ लेकर पेरेंट्स अपने मन में मतलब क्यूरीज लेकर आते हैं, तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता है भी हम लोग इस तरह से अपने बच्चे से ट्रीट करेंगे या मतलब इस वे से करवाएंगे, पैटर्न पूछते हैं वो कैसे हमें पढ़ाना चाहिए, कैसे हमें उन्हें समझाना चाहिए प्ले वे मेथड से या रिटर्न में, मतलब किसी भी तरीके से जो वो मतलब क्वेरीज होती हैं वो टीचर उनको मतलब सॉल्व करती है, तो इसी वजह से पेरेंट्स सेटिस्फाई होके जाते हैं भी हम लोग कैसे मतलब क्या क्या अपने बच्चे में चेंजेस ला सकते हैं मैम से मिलके, क्योंकि टीचर चाहे उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहती है, पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो मतलब इतने में ही टीचर अपने मतलब पेरेंट्स को समझा सकती है, इतने ही टाइम में ही टीचर बच्चों को इतना सा समझ जाती है भी हम लोग कैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं इतने से मतलब टाइम में ही, तो इसीलिए पीटीएम बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। जैसे आपने बताया कि क्वेरीज लेकर आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेरेंट्स अपनी क्वेरी लेकर आया हो और सॉल्यूशन दिया हो आप लोगों ने, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की हो, तो और पेरेंट्स सेटिस्फाई ना हुआ हो समहाउ, ऐसा कुछ? मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं हुआ, मतलब मोस्टली होता नहीं है, कभी ऐसा बाय चांस हम लोग नहीं उस चीज़ को मतलब कर पाए ठीक कर पाए, तो हम लोग मैम से डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल मैम से डिस्कस करते हैं, और मतलब सभी टीचर जैसे मीटिंग लास्ट में होती है हम लोग सब टीचर्स की, तो वहाँ डिस्कशन होती है उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, मतलब हम लोग कैसे उसको मतलब प्रॉब्लम आई है तो उसको डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो वही चीज़ मैम फिर पेरेंट्स से डिस्कस करती हैं तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। एक तरीके से पूरा टीम वर्क की तरह फैमिली की तरह काम होता है मैम। यस मैम। तो हमने यहाँ पर कुछ पेरेंट्स से भी बात करी और टीचर्स से भी बात करी, और अब हम सोच रहे हैं कि एक रिव्यू तो प्रिंसिपल मैम का भी लेना बनता है, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं, और आप देखेंगे कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, घर जाने का मन बच्चों का नहीं कर रहा है, पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि चलो घर चलो, लेकिन बच्चों का घर जाने का मन बिल्कुल नहीं है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं सोच सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर आकर कितना खुश है। मैम आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और बहुत सारे पेरेंट्स आए, हमने पेरेंट्स से भी बात करी, तो मैं जानना चाहूँगी जैसे पहले के टाइम पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो इतना कंपलसरी नहीं होता था और पेरेंट्स जाते भी नहीं थे स्कूल में, और बच्चे भी डरते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने में कि हमारी डांट लगेगी हमें, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो अब के टाइम में और पहले के टाइम में क्या चेंज हुआ है, अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग इतना कंपलसरी क्यों है? देखिए मैम, पेरेंट टीचर मीटिंग इसलिए कंपलसरी हो गया है अब क्योंकि बच्चे डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं और डे बाय डे बिगड़ भी रहे हैं अब, ड्यू टू आपका सोसाइटी, ड्यू टू आपका गैजेट्स, तो हम लोग यही चीज़ कह सकते हैं कि इससे हमारे को बच्चे के मेरिट और डीमेरिट्स पता चलते हैं और पेरेंट्स को भी पता चलते हैं साइड बाय साइड जो बच्चा स्कूल में कर रहा होता है। मैम कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को कोई क्वेरी है और वो क्वेरी लेकर आपके पास या टीचर्स के पास आया है, तो आप लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स को मिल जाता है या नहीं? देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में ही जब सेशन स्टार्ट होता है हम एक सर्कुलर भेजते हैं पेरेंट्स को कि अगर कोई भी इशू है स्कूल से, टीचर्स से, या कोई भी एक्स वाई जेड इशू है, या फिर क्लास वर्क बच्चा आ रहा है स्टिल वर्क नहीं हो रहा है, तो यू आर फ्री टू कॉल इन स्कूल नंबर या यू आर फ्री टू कम इन ऑफिस, तो इस चीज़ की सुनवाई है और हम एक एक चीज़ डील करते हैं। देखिए मैम, जब तक हम अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक पेरेंट्स भी मतलब अपने बच्चे को सौंप रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, और वो बहुत विश्वास करके हमारे पास छोड़ते हैं, तो हम क्यों ना सुने उनकी, हमारा काम ही यही है कि हम सुने उनकी, और हम चाहते हैं कि हम उनके जब हम मेरिट सुन सकते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए अपने डीमेरिट सुनने की भी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स दोनों चीज़ें हमारे को हमारी बता करके जाते हैं। जनरली ऐसा होता है हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपको स्कूल का, टीचर्स का और स्टाफ का कितना कोऑपरेशन उन्हें मिलता है, कितना सपोर्ट उन्हें मिलता है, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ऐसा टाइम होता है जब हमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट उतना ही चाहिए होता है, तो क्या पेरेंट्स का फुली सपोर्ट मिलता है? पेरेंट्स का फुली सपोर्ट होता है, और हम लोगों ने एक स्पेसिफ़िक टाइम रखा हुआ होता है स्कूल ने कि आपने 9 to 12 या जो भी स्पेसिफ़िक टाइम होता है उस बीच में आना है, और पेरेंट्स आते ही हैं जैसे ही उनका हाउसहोल्ड वर्क या फिर जॉब से फ्री होते हैं, या कुछ अर्ली इन द मॉर्निंग आते हैं तो वी एंटरटेन देम,
और वो आते भी हैं। अभी कुछ टाइम में समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो समर वेकेशन के टाइम पर क्या कुछ एक्टिविटीज़ आप कराते हैं समर, कुछ क्लासेस या कुछ ऐसा होता है स्कूल में? देखिए, हम लोगों को तो बहुत सैड और बैड फील होता है जब जून में वेकेशंस होती हैं। वाई? बिकॉज हम लोग इन बच्चों के साथ इतना अटैच हो गए हैं कि हम लोगों का खुद मन नहीं लगता घर पे। तो इट्स लाइक कि हम लोग इसलिए 20 डेज़ का समर कैंप रखते हैं एंड 10 डेज़ का इसलिए रखते हैं सो दैट वी ऑल्सो गेट टाइम फॉर आर फैमिली एंड एवरीथिंग। तो इसमें हम लोग समर कैंप रखते हैं, इसमें काफ़ी 7-8 एक्टिविटीज़ रखते हैं। उसमें बच्चे आते हैं आर के लिए एक एक्टिविटी सीख करके जाते हैं, और बच्चों का एक तो कम्युनिकेशन भी रहता है टीचर्स के साथ। ऐसा है कि जब बच्चा सुनता नहीं है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छी एक्टिविटी में हो, तो दैट इज़ वाई दीज एक्टिविटीज़ आर मेंट फॉर, तभी ये समर कैंप वगैरह बनता है। मैम, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है, तो क्या आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड रहा है? मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है बच्चे को यहाँ पर? ये बहुत अच्छे से बच्चों को टैकल कर किया जाता है यहाँ पे, और ये बच्चा तो बहुत शैतान है, मुझे इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। स्कूल का कितना सपोर्ट रहता है, टीचर्स का कितना सपोर्ट रहता है यहाँ? फुल सपोर्ट है टीचर्स का और स्कूल का। जैसे आप बच्चे को पहले पढ़ाते थे घर पे, छोटे बच्चे को घर पे पढ़ाया जाता है ऑब्वियसली, और जब आपने यहाँ पर स्कूल में भेजा तो कितना मतलब चेंज आपको देखने को मिला? स्कूल में टीचर्स न्यू वेज और टेक्निक्स को फॉलो करके पढ़ाती हैं बच्चों को, और उससे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, हम उतना घर पे नहीं ध्यान दे पाते हैं। अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपने देख लिया है, तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में कितना मार्क्स आप स्कूल को देना चाहेंगी? स्कूल को फुल मार्क्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं, और यहाँ पर भी क्लासरूम में पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है, पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, रिपोर्ट कार्ड शेयर किया जा रहा है, बच्चों के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग यहाँ पर चल रही है, बात हो रही है बच्चों को लेकर कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर पेरेंट्स की भी कोई क्वेरी है तो पेरेंट्स भी टीचर से यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल है रामनगर में, और यहाँ पर हम आज आए थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग यहाँ पर है। तो हमने आपको दिखाया कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसे हो रही है, नीचे हमने आपको दिखाया कि एक सेल्फी स्टैंड भी लगाया गया है। तो ऑल ओवर पेरेंट्स टीचर मीटिंग बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए और ख़ासकर टीचर के लिए भी क्यों ज़रूरी है, तो इस वीडियो में हमने आपको बताया। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।